आपसे यहाँ से पैसे वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक लॉक बॉक्स को डिफाइन कर लें, अलग कलेक्टिव सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स बैंक दैट रिसीव इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, इसका असल जो डेफिनेशन की जान है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यानी जो मीडियम है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, कंप्यूटर के थ्रू हो चाहे मोबाइल्स के थ्रू हो, मोबाइल ऐप के थ्रू हो, ये सारा कुछ आपके पास थ्रू ऑनलाइन सिस्टम होगा। अच्छा जी, अब आप कलेक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कलेक्शन इम्प्रूव करने के तरीकाकार हैं। पहला, जैसे अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन, अ प्रोसेस बाय विच पेपर चेक्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउ डेबिट एंड लॉक बॉक्सेस अदर कलेक्टेड साइट्स, इट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फ्लो। अगर आपके पास लॉक बॉक्सेस में कुछ चेक्स आ गए हैं, ठीक है, या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है वो सुपरवाइज हो। देखें, जब हम यूज़ करते हैं बैंक्स की एप्लीकेशन, तो बैंक की एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और आप कुछ शेड्यूल कर देते हैं अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली एक बैंक से वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो ट्रांसफ़र है ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए किसी बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इनके दरमियान ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस काम करता है। नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देखें अब उसकी उसने डेफिनेशन भी दे दी है कि अगर थ्रू आउट अगर आप बात करें तो पूरी नेशन के अंदर, यानी जहां भी आप काम कर रहे होंगे, जहां भी आप इसे होंगे, वहां आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है। जैसे आप एटीएम भी अगर इसको हम एग्जाम्पलीफाई करें, तो हम एक बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं और हमारा अकाउंट दूसरे बैंक में होता है, इन दैट केस इवन हमारे पास जो है ना, हमारी जो डिजायर्ड अमाउंट है वो एटीएम विड्रॉ कर देता है। क्यों विड्रॉ कर देता है? कि ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम आगे चलते हैं। चेक 21 21st, ये अब बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूएस में अभी वो करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दिस इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ऑफ चेक, इससे आपकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चेक, आप इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो चेक है वो प्रोसेस हो जाता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली जो चेक्स हैं वो पेपर चेक हैं, वो पहले क्लियरिंग में जाते हैं, यानी आप अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, बैंक उसको एक क्लियरिंग एजेंट को देता है, वो क्लियरिंग एजेंट आपके कंसर्न जहां से उस अमाउंट ने आना है उस बैंक के पास वो चेक जाता है, वहां से क्लियर होकर वापस आता है, फिर अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। लेकिन 21st चेक की जो 21 चेक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चेक है और ये बड़ा स्पीडी चेक होता है जो कि आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास रिमोट डिपॉजिट कहते हैं कैप्चर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अ यूजर टू स्कैन चेक, ट्रांसमिट स्कैन डिजिटल चेक्स एंड बैंक फॉर पोस्टिंग एंड क्लियरिंग। देखें, रिमोट डिपॉजिट कैप्चर जो है, दिस इज वन ऑफ द थिंग, अगर किसी ने रिसेंटली बैंक में देखा हो तो आजकल बैंक में जब आप चेक जमा करवाते हैं तो आपको वो जो रिसीट वापस करता है तो चेक का इमेज उस रिसीट के ऊपर होता है, वो एक बेसिकली छोटा सा फास्ट स्कैनर होता है जो उसकी स्कैनिंग करके आपको दे देता है। अब आजकल चेक जो है अगर सुपरवाइज करने हो तो आजकल चेक जो है बेसिकली इमेज के थ्रू सुपरवाइज हो जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सुपरविजन उसकी हो जाती है और वो स्कैनिंग के थ्रू होती है, आपकी स्कैंड चीजें चलती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन बैंकिंग। कंसंट्रेशन बैंकिंग क्या है? कंसंट्रेशन बैंकिंग का मतलब है कि पहले तो हम डिफाइन कर लें व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक जगह चीज को जमा कर लेना, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, किसी एक जगह पर चीज को जमा कर लेना। जब हम कंसंट्रेशन बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब हम कंसंट्रेशन का मतलब है एक जगह पर जमा करना और बैंकिंग का मतलब है आप बैंक के चैनल्स को एक जगह पर जमा कराएंगे, तो इसको कहेंगे हम कंसंट्रेशन बैंकिंग। इससे डिफाइन होता है कि आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट्स के अंदर पैसे आने हैं और उन तमाम अकाउंट से पैसे उठा के आप अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि कैश कंसंट्रेशन है। अब कैश कंसंट्रेशन को अगर हम समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि थ्रू आउट पाकिस्तान ब्रांड्स हर सिटी में तकरीबन मौजूद हैं। जो ब्रांड मुल्तान में है वो ब्रांड आपको लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह मिलेंगे। हो सकता है कुछ ब्रांड कराची के हों जो लाहौर में या इस्लामाबाद में, मुल्तान में ना मिले, फैसलाबाद में ना मिले, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है 70% तक ब्रांड्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में सेम है। अब ब्रांड्स सेम हैं उसका मतलब है उसकी आउटलेट्स भी होंगी। अब मुल्तान की अगर आप बात करें तो आपको एक ब्रांड की दो या तीन आउटलेट्स भी मिल जाती हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरे पाकिस्तान में अगर 30 आउटलेट्स हैं तो 30 जगह के ऊपर कैश कलेक्ट होगा। अब इतनी जगहों के ऊपर कलेक्ट होना और शाम को उसको क्लोज करना, उससे बेहतर नहीं है कि आप हर जगह से कलेक्शन करें उस कैश की और एक अकाउंट में जमा करवा दें। इस तरह आपका
कैश जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा किसी एक जगह के ऊपर, और आपको आसानी हो जाएगी कि उस सेंट्रल कैश से आप उसकी डिस्बर्समेंट करें, ताकि आपको अपनी कैश कलेक्शन और डिस्बर्समेंट का प्रॉपरली अंदाजा हो सके। इस कैश कलेक्शन से आपको ये भी फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपके कौन से ऐसी ब्रांचेस, कौन से ऐसी आउटलेट्स हैं जो ज्यादा कैश प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको कम कैश प्रोड्यूस करके देती हैं, और इसके अलावा कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कुछ ब्रांचेस में ज्यादा या कुछ में कम है। तो कैश एक जगह पे कंसंट्रेशन होगी तो आपकी कलेक्शन और मैनेजमेंट आसान होगी। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग बैलेंस। कंपनसेटिंग बैलेंस का मतलब ये होता है मिनिमम बैलेंस जो आपको बैंक में रखवाना है। आजकल तो ये नहीं यूज होता, आप तो मिनिमम जीरो भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले, यानी कुछ अर्सा अगर हम 10-12 ईयर्स बैक की बात करें, तो इट वॉज नेसेसरी फॉर एन अकाउंट होल्डर टू स्पेयर सम कैश और टू स्पेयर सम कैश इन द अकाउंट। आपने अगर अकाउंट खुलवाया है और उसका अगर कंपनसेटिंग बैलेंस 5000 है, तो मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में हमेशा 5000 रहेगा। अगर 5000 से वो कम होगा तो आपको फीस चार्ज कर लेते थे, जो कि शायद अब नहीं है। तो कंपनसेटिंग बैलेंस हम कह सकते हैं कि ऐसा बैलेंस जो कि मिनिमम आपको अपने अकाउंट में रखना ही रखना। नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक आर नॉन निगोशिएबल। देखें ट्रांसफर चेक तो बड़े आसान होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाते हैं, नॉन निगोशिएबल के ऊपर कंसंट्रेशन है। नॉन निगोशिएबल से मुराद ये है कि ऐसा चेक जो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सीआर के नाम पे इशू किया, लेकिन सीआर इसको फर्दर निगोशिएट नहीं कर सकता। निगोशिएशन का मतलब है फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकता। अगर हम चेक की एग्जांपल लें और चेक को थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, यहाँ चेक की वो नहीं है इमेज, अगर हम चेक को गौर से देखें तो उस पर लिखा होता है टाइटल और बेरर। तो बेरर और टाइटल के अलावा आप उसको फर्दर इंडोर्स कर सकते हैं, यानी किसी और के नाम पे कर सकते हैं, क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक की बात करेंगे तो ये नॉन निगोशिएबल है। नॉन निगोशिएबल से मुराद ये है कि अगर आपने किसी के नाम पर चेक इशू किया है, तो सिवाय उस बंदे के कोई बंदा भी उस बंदे के अलावा किसी को पैसे नहीं देंगे। पहले वो पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि फॉर एग्जांपल ए और ये बी हैं, ठीक है, यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ए अकाउंट होल्डर है, एक बी अकाउंट होल्डर है, तो अगर इसने इसको डी टी सी दिया है तो ये इसको फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपॉजिटरी ट्रांसफर है। अगर फर्दर इंडोर्स करेगा तो ये नॉन डिपॉजिटरी या नॉन निगोशिएबल नहीं रहेगा, ये निगोशिएबल बन जाएगा। हम बेसिकली बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक को हम कहते हैं निगोशिएबल, एक को हम कहते हैं नॉन निगोशिएबल। निगोशिएबल वो होते हैं जो फर्दर इंडोर्स हो सकते हैं, नॉन निगोशिएबल वो होते हैं जो इंडोर्स नहीं होते। मैंने फॉर एग्जांपल एक बंदे से पैसे लेने थे 10,000 और मैंने किसी बंदे को 10,000 देने थे, तो जिस बंदे से मैंने 10,000 का चेक लिया उसको इंडोर्स करके जिसको मैंने देने थे उसको 10,000 का चेक पकड़ा दिया, इसको हम कहते हैं निगोशिएशन। लेकिन अगर मैंने किसी से 10,000 लेने थे और वो मुझे डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक देता है, तो मैं उससे 10,000 लेके पहले अपने अकाउंट में रखूंगा, फिर उसके बाद अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये नॉन निगोशिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डिपॉजिटरी ट्रांसफर, जहां बेसिकली आप एक एटीएम या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, चाहे दिन में करें, चाहे रात में करें, चाहे ऐप से करें, ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफर है वो सुपरवाइज हो जाता है। जब वो सुपरवाइज हो जाता है उसमें किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायर ट्रांसफर है, अ जेनेरिक टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूजिंग टू वे कम्युनिकेशन सच एज FED वायर, फेड वायर। ये भी पुराना एक तरीका कार है, फेडरल रिजर्व वायर सिस्टम, ये इसको ये फेड वायर बोलते थे, ठीक है। ये हमारे पास तो यूँ समझे कि बैंक्स के अंदर एक क्या कहते हैं इंटरनल सिस्टम होता था किस जमाने में, फैक्स वगैरह का, हम लोग उसके थ्रू वायर ट्रांसफर करते थे, ठीक है। या अगर किसी को याद हो तो एक जमाना पहले जो है एक क्या कहते हैं एक TT होता था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर छोटा सा, तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू भी बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजे जाते थे, ठीक है। इसको हम बेसिकली वायर ट्रांसफर बोलते हैं, लेकिन ये ओल्ड मेथड है, ये अब ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता। यहाँ आके सेशन को हम करते हैं फिलहाल